हेलो अस्सलाम वालेकुम। लीजिए जनाब, एक और आपकी फरमाइश पूरी कर देता हूँ। ये स्पाइडर कैम लग गया है और ये स्पाइडर कैम जनाब आप देख लेंगे, बड़ी मेहनत से जब मैं जा रहा था उस पर तो लगाया जा रहा था, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो चार मुख्तलिफ कोनों से एक मखसूस रस्सियों के ज़रिए इसको जोड़ा जाता है। और आप देखें तो इस पर स्पाइडर कैम इंस्टॉल हो चुका है। बग्गी कैम भी यहीं मौजूद है, अभी कुछ देर पहले वो कैमरा भी यहीं घूम रहा था, लेकिन साथ से मैं आपको दिखा देता हूँ जनाब, ये लाहौर कलंदर्स की टीम इस पर प्रैक्टिस कर रही है और इनके तमाम ही जो पाकिस्तानी और फॉरेन प्लेयर्स पहुंच चुके हैं वो सारे इस प्रैक्टिस में मौजूद हैं। और जनाब दूसरी जानब है कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम और एक नई ट्रेनिंग किट के साथ मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं कि इस ट्रेनिंग किट में इनके खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप के लिए एक्सक्लूसिव मनाज़िर जनाब। और काफ़ी ज़बरदस्त ठंडा सा मौसम हो रहा है कराची के अंदर, और आप देख सकते हैं कि दोनों टीमें इस वक्त प्रैक्टिस कर रही हैं। लाहौर कलंदर्स के फ़ैन और कोयटा ग्लेडिएटर्स के फ़ैन जनाब, आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर बताइएगा, और साथ साथ आपकी किस खिलाड़ी से ज़्यादा तवक्कोआत है। यार आउटफील्ड बड़ी ज़बरदस्त लग रही है मुझे, आप देख सकते हैं अभी मैं बैक पूरा जूम आउट कर दिया है, आप देख लीजिए स्टेडियम जो है वो बहुत अच्छी, इसकी पूरी ग्रास मेंटेन है, बाउंड्रीज आपके सामने हैं, डिजिटल बाउंड्रीज भी लग चुकी हैं और छोटी बाउंड्रीज हैं जैसा हमेशा होता है, लेकिन हम देख सकते हैं कि इस वक्त पूरी तरह स्टेडियम में तैयारी कर ली गई है। इस वक्त पावर हिटिंग की जनाब ट्रेनिंग हो रही है, आप देख सकते हैं लाहौर कलंदर के बैट्समैन और बॉलर दूसरे के सामने मौजूद हैं और खूब चौके छक्के लगाने की जो है वो प्रैक्टिस की जा रही है। दूसरी जानब कोयटा ग्लेडिएटर्स के तमाम प्लेयर्स भी मौजूद हैं, तो इन प्लेयर्स के अराइवल वगैरह पे आपके सवाल मौजूद हैं वो मैं अलग से वीडियो पोस्ट करूंगा, अभी तो मैं विजुअल्स पे आपको दिखा रहा था। और जनाब आप सबका फेवरेट स्पाइडर कैम ये मौजूद है, बग्गी कैम कैसे ऑपरेट होता है तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ।